साथ पंकज डावर है जो मौजूद है द ग्राउंड न्यूज के मंच पर। सबसे पहले पंकज जी आपका स्वागत है द ग्राउंड न्यूज में। थैंक यू, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा पंकज जी, पहला ही सवाल मेरा यही आपसे, आपने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है वो चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि नगर निगम से संबंधित ही हमारा सवाल है, तो क्या कारण है, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? देखिए आरोप नहीं, ये जनता इनको आईना दिखाने का काम कर रही है। चारों तरफ आज जनता में आक्रोश है। जो सरकार रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकती, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार एक रोटी नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, उस सरकार का क्या करेंगे? आज जनता में आक्रोश है। आप देखिए पूरे गुड़गांव में, अब बरसात का मौसम आगे आएगा, गुड़गांव फिर डूबने की तैयारी में है। तो इसमें खाली पार्षदों का कसूर नहीं है, ये कसूर सरकार का है। जो सरकार लोगों को झूठे वादे दिखाकर एक जनता को प्रलोभन दिया, एक हथियाने का काम किया सरकार ने, जो आज उसका परिणाम ये भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये आक्रोश है जिस कारण ये सरकार डरी हुई है और आज ये चुनाव से दूर भाग रहे हैं। अच्छा पंकज जी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगी मेयर का? देखिए कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में बुरे तरीके से लिप्त है। अगर हम निगम की बात करें तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जितना भ्रष्टाचार गुड़गांव निगम के अंदर है शायद ही कहीं पर होगा। किसी भी महकमे में आप चले जाओ, सरकारी किसी भी महकमे में बिना पैसे के काम नहीं होता। आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो तहसीलदार के चक्कर काटो, या तो उनके दलाल हैं उनको पैसे दो। निगम में आपको कराना, ये एक स्कैम बना हुआ है। आप देख लीजिए, अगर बिजली के बिल किसी का गलत आ गया, ऐसा नहीं है कि ये गलती से गलत आ रहे, उसके बाद आप बिजली दफ्तर में जाओगे, वहाँ सेटिंग करोगे, फिर आप कुछ ना कुछ पैसे दोगे और कराओगे। ये एक करप्शन जो है आज इस सरकार की जड़ों तक, मैं तो कहता हूँ खाली अफसरों का कसूर नहीं है, सरकार के मंत्री तक इस सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जनता आने वाले समय में इनको आईना दिखाएगी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो भ्रष्टाचार का है। अच्छा पंकज भाई, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हालांकि आपने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, मेयर ने भी कुछ दिन पहले, हालांकि दो साल पहले राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था, कुछ अधिकारियों के नाम भी बताए थे, क्या मानते हैं कि उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन अधिकारियों पर? देखिए खाली उन अधिकारियों की बात नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले भी आपके चैनल पे मुद्दा उठा था इको ग्रीन का जी। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि इको ग्रीन कंपनी किसकी है उसको सार्वजनिक करें, नंबर एक सवाल। अगर दम है तो सार्वजनिक करो। ये सब मिले हुए हैं इन्हीं के नेताओं की, इनके बड़े नेता की कंपनी है जिस पे करोड़ों रुपए, जो कि जनता का करोड़ों रुपया था, उस पे जुर्माना लगता है, उसके बावजूद भी उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता, उसको नहीं हटाया जाता। ऐसे ही जितने अधिकारी हैं जो भ्रष्ट है, सबकी मिली भगत है ये सरकार। बुरे तरीके दूध और पानी की तरह अफसर और मंत्री मिले हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता सब देख रही है, आने वाले में समय में सब दिखेगा। जितनी त्रस्त अगर जनता है तो बीजेपी के राज में जितनी त्रस्त, ये भ्रष्ट जुमला पार्टी का इसको दर्जा दिया गया है, तो ये भ्रष्ट पार्टी है जबरदस्त तरीके से, जिसने आज भ्रष्टाचार कर रखा है। जुमलों से भरी हुई सरकार है, जनता इसका जवाब देगी। अच्छा कांग्रेस, लास्ट सवाल है पंकज जी, कांग्रेस पे जनता इस बार कैसे विश्वास करेगी? कांग्रेस पे कैसे विश्वास? देखिए कांग्रेस, क्योंकि शुरू में तो कांग्रेस का ही मेयर बनाया था जनता ने। देखिए 2014 तक हमारी सरकार रही, आप 2014 के बाद से और आज 2023 आ गया, आप मुझे एक भी ऐसी इमारत इनके गुरु कमल या इन्होंने अपना पीडब्ल्यू डेस्ट हाउस जो जनता के लिए बनाई हो, एक भी इमारत, ये अंडरपास बना दीजिए, सब ड्रामे हैं, ड्रामेबाजी है। जनता को अस्पताल की जरूरत है सबसे पहले, क्या इलाज कराने के लिए क्या अंडरपास में जाएंगे? एक भी यूनिवर्सिटी का अगर वो कराया, बताओ मेट्रो बनाएंगे हम, मेट्रो को पुराने गुड़गांव से जोड़ेंगे, कौन सा पिलर बना दिया मेट्रो का, कहां है मेट्रो? जहां पे मेट्रो कांग्रेस ने छोड़ी थी वही आज मेट्रो खड़ी है, एक इंच भी मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा। तो जनता को विश्वास है कि कांग्रेस का वही सुनहरा समय, कांग्रेस ही जनता का जो है भला कर सकती है और विकास करवा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।